आस्था या अंधविश्वास, कंबल वाले बाबा कर देते हैं चमत्कार, दूर भाग जाती है लाइलाज बीमारी। कहते हैं कि आस्था का कोई पैमाना नहीं होता, लेकिन आस्था के बल पर कई समस्याओं का निदान मिल जाता है। भारत में कई ऐसे उदाहरण हैं जो साबित करते हैं कि आस्था का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, उसके बावजूद चमत्कारों की कमी नहीं है। ऐसी ही एक तस्वीर चित्तौड़गढ़ से सामने आई है, जहां कंबल वाले बाबा के दर पर आकर लोग लकवे जैसी बीमारी से मुक्ति पाने की बात कह रहे हैं। कहा जाता है कि सबसे शक्तिशाली चीज आस्था होती है, क्योंकि आस्था के बलबूते ही हम बड़ी से बड़ी समस्या से हल पा सकते हैं। आस्था एक ऐसा प्रकार का अटल विश्वास है जो कि हमें सच प्रतीत होता है। भारत में भी लाखों लोग बेहद आस्थावान हैं, इसी वजह से वे विभिन्न चमत्कारों पर भी यकीन करते हैं। आस्था की एक ऐसी तस्वीर चित्तौड़गढ़ से सामने आई है, जहां की कंबल वाले बाबा के नाम से मशहूर बाबा जी की लोगों की लाइलाज बीमारियों से राहत दिलाने में मदद करते हैं। बताया जाता है कि यहां के लकवे जैसी बीमारियों से भी राहत मिलती है। यह स्थान चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के 5 किलोमीटर दूर स्थित भाईखेड़ा में है। क्या है लोगों का कहना? यहाँ आने वाले लोगों का कहना है कि बाबा जी के पास आने से उन्हें विशेष फायदा मिलता है। यहाँ आए हुए सभी लोग यहाँ से जाने के बाद स्वस्थ महसूस करते हैं। राजस्थान के नागौर जिले से आए हुए महेंद्र का कहना है कि उनकी बेटी की उम्र 7 साल है और वह कभी बिस्तर से नहीं उठ पाई, लेकिन बाबा की वजह से आज उनकी बेटी आराम से बैठ पाती है और उन्हें विश्वास है कि वह चल भी सकेगी। महेंद्र का कहना है कि उन्होंने बेटी के चिकित्सा के उपचार में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी है और वह अपनी बेटी का 2 बार ऑपरेशन भी करवा चुके हैं। 1-2 नहीं बल्कि विभिन्न जगहों से आए हुए सभी लोगों का कहना है कि यह बात बिल्कुल सच है। लोगों का कहना है कि जो लोग सालों के उपचार से निराश हो चुके हैं, वह बाबा के पास आकर फायदा ले सकते हैं। चित्तौड़गढ़ के पर्यटक स्थल संगम महादेव पर लगने वाले शिविर में भी दूर दूर से लकवे के मरीज पहुँचते हैं और अपना इलाज करवा कर जाते हैं। खास बात यह है कि यहां आने वाले मरीजों से किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता और श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए रुपयों से आने वाले लोगों के लिए भंडारे का आयोजन किया जाता है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि बाबा जी के पास हजारों लोगों की भीड़ जुटी रहती है। ऐसा अक्सर किसी त्योहार या मेलों के अलावा राजनीतिक सभाओं में ही देखा जाता है, लेकिन बाबा जी के पास राजनीतिक सभा से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं। यह लोगों की आस्था है, अंधविश्वास है या बिल्कुल सच्चाई है यह तो हम नहीं जानते, लेकिन बाबा जी के चर्चे चारों तरफ हैं। शिविर में कैंसर, शुगर, लकवा, ब्लड प्रेशर, पथरी, दिव्यांग, अंधे, बहरे, निसंतान व मानसिक व्याधियों का निशुल्क उपचार किया जाता है। शिविर में आने वाले लोगों को एक समय का भोजन निशुल्क दिया जाता है। कंबल वाले बाबा ने बताया कि शिविर स्थल पर रखे दान पत्र में एकत्रित होने वाली राशि से भोजन तैयार करवाया जाता है। एक पंडाल के नीचे शिविर संचालित है। पंडाल के नीचे हजारों लोग बैठे हुए थे। कुछ ही देर में एक टेंट से कंबल वाले बाबा निकल कर आए और पंडाल में सामने रखी चारपाई पर जा बैठे। वहीं पर माँ काली की बड़ी तस्वीर स्थापित थी, जिसके सामने अखंड ज्योति जल रही थी। तस्वीर से सामने अलग अलग कतारों में अलग अलग बीमारियों की पीड़ित महिला, पुरुष और बच्चे बैठे थे। 2 कतारों में गूंगे व बहरे लोग बैठे थे। 4 कतारों में लकवे से ग्रस्त लोग बैठे थे। 3 कतारों में लकवा ग्रस्त बच्चे अपने परिजनों के साथ बैठे हुए थे। 2 कतारों में ब्लड प्रेशर व शुगर से पीड़ित लोग थे। कुछ मिलाकर पंडाल खचाखच भरा हुआ था। शिविर में बाबा एक एक मरीज को कंबल उड़ाते हैं, फिर मरीज के पैरों में अपनी कोहनी से दबाव डालते हैं, उनके हाथ पैरों को मरोड़ते हैं और उंगलियों से थेरेपी देते हैं और लकवे के मरीजों को पैरों पर खड़ा कर देते हैं। जो लगातार 5वें दिन उपचार पा रहा होता है, वो अपने पांव से चलकर माता की तस्वीर तक पहुँचता है, वहाँ धोख लगता और पंडाल से बाहर निकल जाता है। पहले या दूसरे दिन में कुछ मरीज खुद खड़े होकर चलने लगते हैं, वहीं कई मरीजों का उठाकर या पकड़कर तस्वीर के सम्मुख ले जाया जाता है। बाबा लगातार 2-2.5 घंटे तक मरीजों को इस प्रकार से देखते हैं और उसके बाद आराम के लिए पास में लगे टेंट में चले जाते हैं। 5 से 10 मिनट के आराम के बाद फिर से पंडाल में आकर मरीजों को उपचार देने लगते हैं और ये सिलसिला सुबह 9 बजे से देर रात तक चलता रहता है। जब तक शिविर चलता है तब तक यहाँ हवन जारी रहता है। पंडाल के समीप ही हवन स्थल है,
यहां बनी हुई वेदियों में मंत्रोच्चार के साथ दिन भर आहुतियां दी जाती हैं। बाबा किसी भी मरीज से कुछ नहीं मंगवाते, फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग नारियल लेकर आते हैं। बाबा उस नारियल को भी अपने पास नहीं रखते, सभी नारियलों को हवन के बनाई गई यज्ञ वेदियों में आहुतियां दे दी जाती हैं। शाम को भोजन यहां निशुल्क रहता है। पांडाल के समीप ही दो कैंटीन है, यहां वाजिब दाम पर भोजन उपलब्ध रहता है। इसके साथ ही एक भक्त ने बिछाने के गद्दों का काउंटर लगा रहा है। कोई भी व्यक्ति 10 रुपए जमा करवा कर एक रात के लिए गद्दा ले सकता है। सुबह गद्दा फिर से काउंटर पर जमा करवाना पड़ता है।